मीडिया, खासकर मीडिया लोगों को नहीं अंदर, बाहरी जो भी आए उनको अंदर नहीं जाना है। तो अभी बोला कि मीडिया वाले लोगों को अंदर, लोग अंदर चले जाते हैं एक बार में 100 तो कैसे जाने देंगे। अच्छा, एक बार में दो आदमी जाना चाह रहा है, तब दो आदमी को भी माना है यहाँ से गेट पर से आप ले लीजिए। नहीं, दो आदमी अगर जाना, 100 एक मिनट, बाहर का आदमी का अंदर जाने नहीं देते। हम लोग को भी तो पेशेंट को बचा के रखना है ना, इसीलिए इन्फेक्शन से ही तो बीमारी हुआ है, इसीलिए इन्फेक्शन से बीमारी, इन्फेक्शन नहीं हुआ। मास्क लगा ले, पीपी किट पहन ले, तब घुस के अगर दिखाना चाहे तब। अरे जिसको आपको ट्रांसफर हो गया चला गया, जो नॉर्मल मरीज है वो सब रखा हुआ। आपका आँख फोड़ दिया गया रहता तब आपको क्या दर्द होता? वो लोग को तो हम भेज दिए ना। कहाँ भेज दिया? IGMS गया, पटना गया। आपका आँख फोड़ दिया गया रहता, आपका 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 फोड़ दिया है उसको क्या? लेकिन जो फोड़ा है उसकी सच्चाई तो हम लोग दिखाएंगे ना। हाँ, दिखाइए सच्चाई। खाने दीजिएगा तब ना दिखाएंगे। तो दिखाएंगे, दिखाइएगा। यहाँ से जिसका आँख ज्यादा डैमेज था वो सब चला गया IGMS, 9 पेशेंट चला गया है। पहले से IGMS अगर अच्छा काम करता तो प्राइवेट अस्पताल में लोग नहीं जाते ना, और सुपरिटेंडेंट साहब ने मना किया ना कि अंदर नहीं घुसने देना है। सर मना करते हैं इसलिए कि पेशेंट को दिक्कत ना हो। पहले SKMCH के जो सुपरिटेंडेंट हैं उनकी संपत्ति की जांच हो, पहला सवाल मैं कर रहा हूं कि उनकी संपत्ति की जांच हो। अगर वो व्यक्ति सही होते और ईमानदार होते तो शायद जो इलाज SKMCH के आई अस्पताल में होना था वो गरीब लोग इलाज जो है आँख फड़वा अस्पताल में नहीं कराते। और ये लोग तो हैं, खैर रोकने का प्रयास करेंगे और हम लोग जाने का प्रयास करेंगे। ये लोग नहीं जाने देंगे तो हम लोग सुपरिटेंडेंट साहब से पूछेंगे, और नहीं जाने दीजिएगा लोग तो पेशेंट के वार्डन को बुलाएंगे बाहर। सुनिए ना, हाँ, मेरा बात सुनिए। पेशेंट के आप लोग को जाने चाहे बाली आदमी को जाने आने के लिए इसीलिए नहीं देते हैं जो पेशेंट को सुरक्षा हो, केयर हो, इन्फेक्शन। आप लोग तो इतना बढ़िया से सुरक्षा कर रहे हैं। बिहार का सरकारी अस्पताल में पेशेंट का सुरक्षा होता तो शायद बिहार के सरकारी अस्पताल में दुनिया में सबसे ज्यादा लोग बिहार के सरकारी अस्पताल में नहीं मरते। इतना लोग कहा आपको ये बोलना है कि बिहार में सरकार को जाके बोलिएगा कि क्या हो रहा है यहाँ सब व्यवस्था, हम लोग नहीं ना करते हैं व्यवस्था। हम ट्रीटमेंट किए, व्यवस्था था तब ना ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आ सबको तो हम बुला के बोल रही हैं मैडम, माइक से देखिए, ये माइक से आपको माइक से डरा तो रही रहे हैं आप, काहे लग थुतुर लॉजिक कर रही हैं आप, ऐसा बात क्यों कर रही हैं मैडम? आप सुनिए एक मिनट, आप लॉज, आपसे मैंने रेतो किया, आपसे कोई मिसबिहेव किया, आपको मैं आप कर रहा हूँ, और सुनिए सुनिए, आपको मैं आप कर रहा हूँ, और आप जो है एकदम मतलब कि लग रहा है कि आप अनपढ़ आदमी है और यहाँ पे हम लोग हैं। तो अनपढ़ है तो आपको नौकरी कैसे हो गया मैडम? सरकार से बात जाके पूछिए। देखिए ये व्यवस्था है, हमने इनसे कोई मिसबिहेव नहीं किया है, फिर भी ये मैडम जो है ना इस प्रकार से बात कर रही है। और ऐसे ऐसे लोगों को तो पहले सस्पेंड कर देना चाहिए। जरा सोचिए कि मैंने कुछ इलॉजिकली नहीं बोला, एकदम आराम से आया हूँ। ये वही अस्पताल है जिसमें लोगों का आँख फोड़ा गया था तो इलाज चल रहा है। हम उनसे सवाल पूछने आए हैं और ये मैडम को लग रहा है कि इनका दोनों किडनी मांगने आए हैं। देख लीजिए ये मैडम को, अब देखिए गेट बंद हो गया। इस प्रकार से बिहार में बिहार के गरीबों को लूटा जा रहा है और बर्बाद किया जा रहा है। लॉजिकली सवाल कर रहे हैं ना, हम इनसे लड़ रहे हैं ना झगड़ा कर रहे हैं ना हम जबरदस्ती कर रहे हैं कि हम अंदर जाएंगे, बस इनसे सवाल कर रहे हैं और ये घबरा जा रहे हैं लोग। नहीं, घबराने कोई बात नहीं है, घबराएंगे क्यों? हम लोग कोनो ट्रीटमेंट नहीं कहे। अच्छा सुनिए ना मैडम, मैडम हाइपर होके क्यों बात कर रही है आप? शांति, हम तो ये थोड़ा भी नहीं, हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग है सब, आराम से भी बात कर सकती है ना। आ जाइए बाहर, आ जाइए, आ जाइए बाहर, आ जाइए। हम आराम से ही बोल रहे हैं जो चाहिए ट्रीटमेंट मेरे यहाँ आया है। आपसे पूछने से हम कैसे, हम उन लोगों से पूछेंगे ना? उन लोग से पूछिएगा तो बुला पूछ लीजिए, जाइए पूछ के आइए जो यहाँ कोई दिक्कत है, उसको खाना नहीं मिला है कि दवाई नहीं मिला है, जो जरूरत है वो तो हम लोग कर ही रहे हैं। मुजफ्फरपुर के SKMCH अस्पताल में सारा व्यवस्था सही है, कोई दिक्कत नहीं है, खाना दवाई समय पे मिलता है, मरीजों का इलाज समय पे होता है। और मुजफ्फरपुर के लोग जो SKMCH में इलाज करा रहे हैं वो कमेंट करके वीडियो में जरूर बताना। मैडम बोल रही है सारा व्यवस्था यहाँ पे सही है, पूछ लीजिए ये। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि SKMCH में क्या किस प्रकार का व्यवस्था है। मैडम के हिसाब से यहाँ पे व्यवस्था जो है बिहार में सबसे बढ़िया है।
सारा दवा यहाँ मिलता है। हाँ। अब कोई एकाध दवा नहीं हो वो अलग बात है, मुजफ्फरपुर के SKMCH अस्पताल में सारा दवा मिलता है, समय से इलाज होता है। बिहार के किसी सरकारी अस्पताल में नहीं इलाज हो रहा हो तो आप SKMCH में आ जाइए, मैडम से मिलिए और SKMCH के सुपरिटेंडेंट से मिलिए। इलाज नहीं हो रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैडम के हिसाब से सबका इलाज बढ़िया ढंग से होता है। अभी हम लोग SKMCH के उस वार्ड के सामने हैं जहाँ पे आँखों का मरीज का इलाज चल रहा है, और यहाँ पे आने के बाद कुछ ऐसी सच्चाई पता चली है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मरीज लोगों का जो आँख सही था उसे निकाल दिया गया और जो गलत आँख था उसे छोड़ दिया गया। आपके मरीज के साथ क्या हुआ था? जी सर, हम 21 तारीख को जो है मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। हाँ। वहाँ बोला गया कि 22 को ऑपरेशन होगा, आप जो है भर्ती हो जाइए। हम भर्ती हो गए। हाँ। सुबह में ऑपरेशन हुआ। हाँ। मतलब कि और उसके मतलब 23 तारीख के सुबह में जब वो पट्टी बदलने के नाम पर आँख खोले तो उसी समय आँख डैमेज था। हाँ। हम कितना भी वहाँ पर चिल्लाते रह गए कि देखिए आँख जो है न खुल रहा है न कुछ हो रहा है। वो कहेंगे ना सब ठीक हो जाएगा, घर पर जाकर खोलिएगा ना गर्म पानी से खुल जाएगा। लेकिन जब फिर 8 दिन के बाद जो है उनका बहुत सारा जो है उल्टी हो रहा था। जिस आँख में था वो आँख नहीं निकाला गया और जो सही था उस आँख को निकाल दिया गया। जी वहाँ पर आँख का जो ऑपरेशन हुआ था। जी आँख का ऑपरेशन। जी जी आपके पत्नी के साथ क्या हुआ था? वही ऑपरेशन को बखत नोकझोंक हुआ डॉक्टर से। क्यों नोकझोंक हुआ? वो दहिना वाला वो बोल रहा था कि ये दहिना वाला कर देते हैं। हाँ। वो बोला कि नहीं हमको दहिना दिखाई दे रहा है। हाँ। हमको बायां कीजिए। तब जा करके बायां किया ना तो उस जगह ऐसे नोकझोंक हुआ तो पुर्जा भी गिर गया और 2-3 पुर्जा हेरा भी गया। अभी हम लोग मुजफ्फरपुर के SKMCH अस्पताल में हैं और यहीं पे वो पेशेंट एडमिट हैं जिनके आँखों के साथ एक अस्पताल ने खिलवाड़ किया। वो प्राइवेट अस्पताल ने गरीबों के आँखों के साथ इसलिए खिलवाड़ किया कि सरकारी अस्पताल में व्यवस्था सही नहीं है। अगर सरकारी अस्पताल में व्यवस्था सही होता तो शायद वो लोग प्राइवेट अस्पताल में अपने आँखों का इलाज करवाने नहीं जाते, और प्राइवेट अस्पताल में सस्ता आँख का इलाज कराने के चक्कर में अगर वो नहीं जाते तो शायद उनके आँखों में एक्सपायरी दवा नहीं डाली जाती, और नहीं डाली गई होती एक्सपायरी दवा तो शायद आँख खराब नहीं होता। और यही SKMCH है। अभी सुपरिटेंडेंट से हम लोगों ने बात करने का प्रयास किया, वो मतलब कि हम लोगों पे भड़क गए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि हम कड़वे सवाल पूछेंगे। यहाँ पे कुछ पेशेंट है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोपी देवी। अच्छा, क्या हुआ था? मेरे माँ के आए थे ऑपरेशन कराने आँख को। कहाँ पे आई थी? आई हॉस्पिटल में आए। प्राइवेट था ना वो? जी, आँख निकाल दिया गया मेरे माँ को। माँ का आँख निकाल दिया गया। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हरिंदर पासवान। क्या हुआ था? हम अपने पत्नी को लेकर के गए, वहाँ पर इलाज कराए। वो 22 तारीख को ऑपरेशन हुआ और एक दिन वहीं रखे और कल होकर के हम लोग का निकाल दिए। वो दिए मैंने दवाई उबाई, वो काला चश्मा दिया और बोला कि जे चले जाइए घर पर, वहीं पर 8 दिन के बाद में आइएगा। तो हम तो गरीब है, पैसा नहीं था तो रुक गए। 8 दिन के बाद में गए, 8 दिन के बाद में गए तो वहाँ पर देख रहे हैं कि जे जांच पड़ताल हुआ, कहाँ कहाँ 2-3 जगह जांच हुआ। जांच के बाद में एम्बुलेंस। कितने पेशेंट का आँख खराब हुआ है? कम से कम यहाँ अभी तत्काल 26 को नजारा आ रहा है अभी, और का आँख निकाला गया। आज 9 गोड़ा के फिर पटना भेजा गया, उनका भी आँख निकाला जाएगा। और 10 मरीज हमको आँख से जो देखे हैं सो इधर उधर है, बुआ रहा है, अभी तक यहाँ नहीं पहुँच पाया। हाँ, तो 26 मरीज यहाँ पे एडमिट हैं, 9 मरीज को पटना भेजा जा चुका है और 10 मरीज इधर उधर बउआ रहे हैं। इतना बड़ा कांड अगर गुजरात के किसी कोने में हुआ रहता, दिल्ली के किसी कोने में हुआ रहता, महाराष्ट्र के किसी कोने में हुआ रहता तो अभी तक आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्वीट जरूर किए होते। लेकिन बिहार के लोग मरे, बाढ़ में डूबे, चमकी बुखार से मरे, कोरोना से मरे, इनके लिए संवेदना प्रकट करने का समय बिहार के नेताओं के पास भी नहीं है और बाहर के नेताओं के पास भी नहीं है। और क्या बोल रही थी आप? और उसके बाद यहाँ दिखाए मगर हमारा माँ को ठीक नहीं हुआ, वो तो वहाँ खराब हो चुका था। मिली जुली सरकार डॉक्टर लोग थे, यहाँ से हम लोग को पटना भेज दिए, डॉक्टर से बात कर लिए और जानता था कि हो गया खराब। उस समय भी कहते हैं कि तुम दूसरे जगह दिखा लो तो हम अपनी माँ को दिखा के आँख को बचा सकते थे, मगर उनको मालूम था कि हो चुका है, वो भेज दिए पटना। पटना में गए, जाँच उँच हुआ, वहाँ से आए, फिर दवाई लेके फिर घर भेज दी, फिर वही परेशानी बढ़ते रहा, फिर वहाँ से फिर वहीं आए, फिर वहाँ से बोला कि से आँख आपका माँ का निकलेगा। फिर उसके बाद शनिवार अगर जो आँख खराब
गरीबों का किया गया है, वही आंख खराब इस राज्य के मुख्यमंत्री का और स्वास्थ्य मंत्री का किया गया होता तब क्या होता। खैर, अपने यहाँ के मुख्यमंत्री साहब अपने आंख का इलाज कराने दिल्ली जाते हैं तो उनका आंख खराब नहीं होगा। क्या समस्या है आपको? जी, मेरे भी पापा यहाँ पे एडमिट है। मेरे भी पापा का वही हाल है जो और पेशेंटों का हाल है। अच्छा, उनका भी आँख। कितने तारीख को उनका आँख का ऑपरेशन हुआ था? 21 को एडमिट हुए और 22 को ऑपरेशन हुआ आँख का। और कितने तारीख को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था? 23 को डिस्चार्ज कर दिया मतलब गया। तब 21 तारीख को एडमिट हुए, 22 तारीख को उनका आँख का ऑपरेशन हुआ और 23 तारीख को डिस्चार्ज कर दिया गया। जरा सोचिए, एक दिन में आँख का ऑपरेशन करके डिस्चार्ज कर दिया जाएगा तो क्या होगा? हम लोग को तो आँख तो चला ही गया। हम लोग बहुत गरीब है, हमारी माँ को बेटा उटा नहीं देखता है। हम अगरबत्ती भर के पासन पोलन करते हैं। हम लोग को तो सब आदमी को जितने को आँख खराब हुआ है सबको मुआवजा चाहिए, और मुआवजा आप ही लोग हम पर हम लोग को दिलाइएगा। कश्मीर में बिहारियों का जान चला जाता है तो सरकार के तरफ से 2 लाख रुपया मुआवजा मिलता है। आँख खराब हुआ है तो सरकार कितना मुआवजा देगा अब सरकार भी जानता है और बिहार के लोग भी जानते हैं। शायद उस मुआवजा से इन लोगों का भरण पोषण नहीं चलेगा और जितने भी गरीबों का आँख खराब हुआ है अब उनकी ज़िंदगी बद से बदतर हो जाएगी। तो सरकार व्यवस्था करे कि उनका आँख जो है फिर सही सलामत लगाया जा सके, पहला चीज़। और जब तक वो लोग जिंदा रहेंगे तब तक उन लोगों को मुआवजा अच्छे ढंग से दिया जाए और उनके परिवार वालों को एक एक नौकरी दिया जाए। सही है कि नहीं है? जी सर, एकदम सही है। लेकिन नहीं मिलेगा, हमको पता है, ये बिहार है, अब क्या कर सकते हैं। चाची, कसम से बोलिएगा, अपना मुड़ी पे हाथ रख के वोट के समय में आप नेताजी से पूछती हैं कि कितना काबिल हो? हम तो नहीं पूछते हैं नेताजी। जाति के नाम पे वोट दे देती होंगी? नहीं सर, हम तो वोट जैसे देना ही है किसी को, सब तो वैसा ही है। सब जिसको चुनता है वो तो वैसा ही अपना पेटी भरने के लिए वोट लेता है, जीतने के बाद बस वो मुँहे घुमा लेता है और कोई काम भी नहीं। बाढ़ पीड़ित में इतना फंड आता है, हम लोग को न इंदिरा आवास मिला, न बाथरूम का मिला, और न कुछ। हम लोग को जो दहाड़ वाला पैसा आता है वो भी हम लोग को नहीं मिला। आपको क्या समस्या है ये बताइए। सर, मेरा समस्या यही है, जो हम सच्चाई के लिए आवाज़ उठाए तो कल के मेरे ऊपर कार्रवाई होगा। हम गरीब के बच्चा है, मेरे मम्मी पापा सकेंगे नहीं हमको बेल करवाने में। हाँ, तो मतलब आपको जेल में डाल दिया जाएगा? डाल दिया जाएगा, 100% डाल दिया जाएगा 2 से 3 दिन के अंदर में। क्यों डाल दिया जाएगा आपको जेल में? सच्चाई पे आवाज़ उठा दी है सर, इसीलिए। और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ आप सच्चाई के लिए आवाज़ उठाए हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा? डाल दिया जाएगा सर, कोई ना कोई आरोप लगा के डाल दिया जाएगा, चोरी छीने कुछ में डाल दिया जाएगा, पर डाल दिया जाएगा। डाल दिया जाएगा? हाँ। इसके पहले ऐसा कभी कुछ हुआ है क्या? बहुत बेकसूर लोग जेल में जाता है सर, यहीं से, इसी एसकेएमसी से बहुत जाता है। और चोर सब? चोर सब तो बैठे हुए, चोर सब तो पैसा फेंकता है, वो सब नहीं जाता सर। हाँ। वो सब नहीं जा सकता है। अब बेकसूर जेल चला जाता है। हाँ। जो गरीब है, लाचार है, वो जाबे करेगा, उनको छुड़ाने के लिए कोई नहीं है। ये भाई साहब हैं, बोल रहे हैं कि 2-3 दिन में मुझे जेल में डाल देगा सब ये सब। अब देखते हैं ये सब जेल में डालता है कि नहीं डालता है, और देखते हैं आज़ाद बिहार में आवाज़ उठाने का मतलब जेल होता है कि आज़ाद बिहार में आवाज़ उठाने का मतलब सम्मान। खिलाफ लड़ने के लिए जेल जाना पड़ता है। फिक्स हमको जाना होगा, हम जानते हैं। चलिए, ये भी फिक्स है कि अगर आप जेल जाइएगा तो आपके बेल का खर्चा हम लोग देंगे, ये भी फिक्स है। लेकिन अब क्या करें, अब सिस्टम ही ऐसा है। अगर हम बिहार के सभी लोग मिल के प्रयास करेंगे तो शायद बिहार को बदल दें। लड़ेंगे सर, हम हैं साथ में, हम लड़ेंगे, सब लड़ेंगे, हम ही लड़ेंगे। हाँ, मेरा कहना है, यहाँ जितना प्राइवेट हॉस्पिटल है यह दलालों से चलता है, और सभी इस मेडिकल विभाग के जितना प्रभारी हुए चाहे जो भी लोग, सब लोग संलिप्त है। यहाँ उसको रेफर कराया जाता है दलाल के माध्यम से और प्राइवेट में चलता है। प्राइवेट में जैसे में यहाँ किसी का डिलीवरी आया तो वह डिलीवरी से कहेगा यहाँ का स्टाफ तो यहाँ नहीं होगा, तुरंत लेके उसका दलाल अर्जेस्ट है, उसको 10,000-20,000 यहाँ से सिर्फ बाहर गेट के बाहर हॉस्पिटल में, कोई हॉस्पिटल में रख दिया जाता है तो उसको ऑपरेशन करके नॉर्मल डिलीवरी को ही यहाँ से दलालों के माध्यम से लूटा जा रहा है। और लगभग गरीब लोग ही यहाँ आते हैं। जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे, व्यवस्था के नाम पे अगर हम लोग वोट देना बंद कर देंगे तो शायद बिहार का तकदीर बदल जाए। मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लोग पैसा पर 2,000-4,000 के लोग, अभी जस्ट पंचायत चुनाव हो रहा है, कितने जगह हो चुका है, वहाँ 4,000-5,000 में अपना वोट बेच लेता है। क्या समस्या है आपको? SKMCH में गंदगी के वजह से पेशेंट सही हो जा रहे हैं, गंदगी के वजह से इन्फेक्शन के वजह से डेथ कर जा रहे हैं। कहीं ऐसा आपने देखा है क्या? जी, एक बार देखा है मैंने। कहाँ पे देखा है? यही SKMCH वर्न वार्ड में। वर्न वार्ड में क्या हुआ था?
पेशेंट ठीक हो गया, जाने के कंडीशन में था, यहाँ पे थोड़ा बाहर टहला, इन्फेक्शन हो गया, डेथ हो गया। इन्फेक्शन हो गया, डेथ हो गया जी, ये बात सच है जी। क्या नाम हुआ आपका? वेद प्रकाश। कहाँ से आए हैं? हम सीतामढ़ी से आए। क्या समस्या होता है? समस्या यही है कि देखिए गंदगी यहाँ पर खड़ा होने का जगह है, जहाँ भी जाइए बदबू इतना है, इतना का सफाई कर्मी है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। सुपर एक बार सुबह में आएगा उसको साफ कर देगा, उसके बाद तो भाई पेशेंट ज़्यादा है, उसके बाद तो सारा दिन सही रहेगा, बदबू के मारे उसमें न भोजन किया जाएगा न टहला जाएगा। अगर लवशंखा के लिए जाइए तो ऐसे होता है कि आप खुद पेशेंट से ज़्यादा उसको सेवा करने के लिए वो पेशेंट बन जाता है। हाँ, हमको 2 महीना यहाँ हो गया। आपका पेशेंट किस बीमारी? पेशेंट हड्डी विभाग में है, पैर का गुल्ला टूटा हुआ है, बॉल फूट गया हुआ है। अभी 2 महीना से आपका पेशेंट एडमिट ही है? 2 महीना से बोलता बॉले नहीं है, तो बॉल फिर बाहर से लाया गया है, तब जाकर के आज कल 15 रोज हो जाएगा ऑपरेशन का। आज उसको देखा है तो उसमें से बहुत मवाद भर रहा है, कुछ बोलो तो बोलने में भी भय लगता, क्या पता पेशेंट के साथ कुछ गड़बड़ हो जाए। चाहे आपने जैसे अगर लड़का बोला था कि हमको जेल होना है, सांस बोल दी इसलिए जेल होना है, तो कैसे बोला जाएगा, दम साथ के रहना पड़ता है।